हाय फ्रेंड्स, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ट्विस्टी टेक में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ शॉर्टकट कीज, पर रुकिए रुकिए, बिना फिजिकल कीबोर्ड के। अब आप सोचेंगे ये कैसे, चलिए मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने विंडोज 10 में के सर्च मेन्यू में जाके या फिर अपने विंडोज 7 या किसी में जाके आपको बस ऑन स्क्रीन कीबोर्ड सर्च करना है, एंटर कर देना है। आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे ये ओपन हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बोनस वीडियो, क्योंकि मैं आपको कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स और हॉटकीज के बारे में तो बताऊंगा ही, प्लस बिना किसी भी फिजिकल कीबोर्ड के उपयोग के, यानी मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज करूंगा। तो ये आपके लिए एक बोनस वीडियो है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, पहला शॉर्टकट की मैं बताने से पहले आपको और एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो अगर आपका फिजिकल कीबोर्ड वर्क कर रहा है, अगर आप जो कि इससे इनपुट देते हैं तो आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में भी शो करेगा। जैसे अगर मैं कैप्स लॉक को इनेबल करता तो आप देख सकते हैं यहाँ डिस्प्ले में कैप्स लॉक का सिंबल आ गया है कि ये यूज में है। मैं इसे वापस डिसेबल कर देता हूँ कैप्स लॉक को, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हट चुका है एक ऑरेंज कलर का, एक नोटिफाई करने का इसका एक तरीका है। आपका जैसा फॉन्ट कलर्स में या बैकग्राउंड कलर आपका जैसा चूज किया हो उस हिसाब से, समझ रहे हो। तो चलिए, विंडोज की प्लस एम, अब मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। सबसे पहले इसके लिए मैं दिस पीसी ओपन एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, उसके बाद मैं सेटिंग्स ऐप को ओपन कर देता हूँ। चलिए आप देखिए, विंडोज की प्लस एम, आप देख सकते हैं सारे रनिंग एप्लीकेशन मिनिमाइज हो चुके हैं सिवाय ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के, क्योंकि ये यूज में इसी के द्वारा मैंने इस एक्शन को परफॉर्म किया है, तो ये मिनिमाइज नहीं होगा। अब मैं इसे ओपन करता हूं और आपको और एक चीज दिखाता हूं। जैसे आप देख सकते हैं, मैं यहां पे लाता हूं, अगला शॉर्टकट की है इसी के द्वारा। दोस्तों, अगला शॉर्टकट की है एल्ट टैब। चलिए, एल्ट टैब को जैसे मैं क्लिक करता हूं, मुझे ऑप्शन मिल जाएंगे कि जो रनिंग एप्लीकेशन है मैं उसे व्यू कर सकूं। तो सेटिंग, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड तो यहाँ रनिंग में है, उसके बाद जिस पे मैं क्लिक करूंगा ये उस पे स्विच कर लेगा। अब मैं दिस पीसी पे स्विच करूंगा तो उससे भी स्विच कर सकता है। मैं इसे दिखाता हूं आपको, एल्ट टैब, और फिर मैं इस पे जाके टैब को फिर से क्लिक करूंगा, देख सकते हैं आप दिस पीसी, और मैं इसे वापस क्लिक करके भी ओपन कर सकता हूं। ये शॉर्टकट की आप कीबोर्ड से ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, मैं इसे कीबोर्ड से दिखाता हूँ, क्योंकि ये शॉर्टकट की से आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ सकता है, क्योंकि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से ये थोड़ा सा पॉसिबल कम पड़ता है, मतलब इसे दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। तो मैं इसे भी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने सेटिंग को ओपन किया, अब मैं एल्ट पे जाके टैब पे क्लिक करता हूँ, मैं अगले टैब पे क्लिक करूँगा, ये तो सेटिंग ओपन ही है, ये मिनिमाइज्ड विंडो में है, जिसपे मैं जैसे ही मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये बस, उसके लिए मुझे कुछ करना नहीं, बस एल टैब पे जाना है, और जैसे मैं सेटिंग खुला हूँ, मैं दिस पीसी को वापस से टैब पे क्लिक करूंगा दिस पीसी, और मैंने जैसे एल से हाथ हटाया ये एप्स के बिटवीन स्विच कर लिया अपने आप ही। तो दोस्तों, अगला है विंडोज की प्लस कॉमा। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले मैं दिस पीसी एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे विंडोज की, और दोस्तों और एक बात, अगर मैं कॉमा को सेलेक्ट करके रखूंगा तभी ये मिनिमाइज्ड रहेगा, आप इससे एक ब्रेक ले सकते हैं। जैसे आप कॉमा से अपने कर्सर का हैंड हटा देते हैं वापस से ये ऐप ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, अगला शॉर्टकट की है विंडोज की प्लस टैब। इसके लिए आपको विंडोज की प्लस टैब पे क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं मेरा जितना भी रनिंग एप्लीकेशन है वो शो कर रहा है, सेटिंग, दिस पीसी, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अगर मैं वापस से टैब पे क्लिक करता हूँ तो ये हाइड हो जाएगा। दोस्तों, अगला है विंडोज की प्लस प्लस और माइनस, यानी कि इससे आप जूम कर सकते हैं। तो चलिए, आपका कर्सर जिस जगह आपको जूम करना, आपको उस जगह करना पड़ेगा। तो विंडोज की मैग्नीफायर ऑन हो चुका है, जिधर मेरा कर्सर है मैं उसे उस जगह पे जूम भी कर सकता हूँ, जूम इन और जूम आउट मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे पूछते हैं कि भाई स्क्रीनशॉट कैसे ले, तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। इसके लिए आपको विंडोज की प्लस प्रिंट स्क्रीन, आप देख सकते हैं मेरा स्क्रीन ब्लिंक किया,
अब मैं आपको फाइल एक्सप्लोर में जाके दिखाता हूँ कि स्क्रीनशॉट भी लिया जा चुका है। दोस्तों स्क्रीनशॉट लिया जा चुका है, मैं आपको इसे ओपन करके भी दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे कि ये स्क्रीनशॉट थोड़ी देर पहले मैंने अभी लिया है तो ये आ चुका है। अगले शॉर्टकट कीबोर्ड के बारे में बताने से पहले मैं आपको और एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये विंडोज 10 कीबोर्ड शॉर्टकट्स वीडियो का जो आपने पार्ट वन में देखा था उसका ये पार्ट टू वीडियो है। तो दोस्तों अगला शॉर्टकट की है विंडोज की प्लस ए, इससे आप अपने एक्शन सेंटर को खोल सकते हैं यानी नोटिफिकेशन इसे एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा नोटिफिकेशन सेंटर ओपन हो चुका है। यहाँ से आप अपने कुछ शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं जैसे कि आप अपने फोन में भी यूज कर सकते हैं। नेटवर्क का को से ऑप्शन मिल जाएगा, ब्लूटूथ का, मोबाइल हॉटस्पॉट अगर ये तो मोबाइल के लिए होगा, एयरप्लेन मोड, टैबलेट मोड, फोकस असिस्ट, ब्राइटनेस, ऑल सेटिंग्स, नाइट लाइट, बैटरी सेवर, लोकेशन, नियर बाय शेयरिंग, वीपीएन, प्रोटेक्ट, कनेक्ट, इन सब के बारे में भी आप इसे ओपन करके ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं सेटिंग के द्वारा। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके अपने चैनल ट्विस्टेड टेक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी इनेबल कर दीजिए। और हाँ दोस्तों आपको इन सब सारे हॉटकीज में से सबसे बेस्ट कौन लगा मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे।